हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। MBT यानी मेन बैटल टैंक। भाई साहब, इस मशीन ने जंगों का नतीजा बदला है, इसे हल्के में लेने की गलती मत कर देना, क्योंकि इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पलटा है। इसीलिए इसे जमीन पर लड़े जाने वाली लड़ाई का दैत्य कहा जाता है। आइए जानते हैं इसका भूत, भविष्य और वर्तमान। बात है 1914 विश्व युद्ध की। ब्रिटेन और जर्मनी के सैनिकों ने 800 किलोमीटर लंबे गड्ढे यानी ट्रेंच खोद कर मोर्चा संभाल लिया और ऐसी स्थिति बना दी कि जो गड्ढे से बाहर निकलता उसको टपका दिया जाता। फिर ब्रिटेन की साइड से मैदान में उतरी एक ऐसी मशीन जिसने जंग का रुख ही पलट दिया, और वो था एक टैंक। टैंक के मैदान में उतरते ही जर्मन डिफेंस के परखच्चे उड़ गए। आओ चलते हैं समय में और पीछे और जानते हैं इसके पीछे किसका था दिमाग। फिर एंट्री होती है विंस्टन चर्चिल की। अगर ये आदमी आज जिंदा होता तो मैं इसे गालियां दे दे के मार देता। आओ बताता हूँ क्यों। जिस टाइम जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हमारे निहत्ते मासूम भाइयों बहनों पर चारों तरफ से कैद करके गोलियां चलाई थी, ये विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश एम्पायर का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको ना पता हो कि जनरल डायर क्या करने जा रहा है। इतने सारे हिंदुस्तानी लोगों के खून से अपने हाथ रंगने के बाद भी विंस्टन चर्चिल ने बस यही कहा कि जी हमें तो बड़ा दुख है, बड़ा बुरा हुआ आपके लोगों के साथ, और आज तक इंग्लैंड ने अपनी इस हरकत के लिए कोई माफी नहीं मांगी है। चलो वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैं थोड़ा भटक गया था। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं अपने पूर्वजों को दिए गए जख्मों को नहीं भुला सकता। मुझे थोड़ा जरूरी लगा तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। चर्चिल ने ब्रिटिश इंजीनियर्स के बख्तरबंद गाड़ियों के सुझाव को मंजूरी दे दी, जिनकी मदद से ब्रिटिश आर्मी ने जर्मन पैदल सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसमें थी एक कमी, कीचड़ और गीली जमीन में ये थी बिल्कुल बेकार। तो अब सोचा उन्होंने बनाने का एक नया हथियार, और चोरी कर डाली अमेरिकन टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर की। हाँ जी, मैं तो चोरी ही कहूंगा। हालांकि वो लोग इसे इंस्पिरेशन मानते थे, मतलब वो करें तो इंस्पिरेशन, हम करें तो चोरी। तो चोरी के डिजाइन से एक नई मशीन का हुआ जन्म, जिसका नाम था लिटिल विली, और ये था दुनिया का पहला टैंक। लेकिन कमी तो इसमें भी थी। अगर सामने एक बड़ा गड्ढा आ जाए तो ये था बिल्कुल बेकार। इसकी नाक उसमें फंस जाती थी और ये उससे बाहर नहीं निकल पाता था। इसके बाद अंग्रेजों ने बनाया बिग विली, और ये था जंग के मैदान में उतरने वाला एक राक्षस, बहुत बड़ा साइज और चारों तरफ घूमने वाली चेन। इसे मैदान में जिसने भी देखा उसके तोते उड़ गए। इसको आगे बढ़ता देख जर्मन सेना अपना मोर्चा छोड़ के भागने लगी, पर इसके अंदर बैठे लोगों के लिए ये किसी नर्क से कम नहीं था। बीचों बीच लगा इसका इंजन इतनी गर्मी पैदा करता था कि बैठने वाले के शरीर से पसीना झरने की तरह बहता था। जल्दी ही जर्मन सेना ने निकाल ली इसकी कमजोरी और मैदान में उतार दी, जिसके गोलों ने इसके परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। इसकी धीमी रफ्तार मात्र 3 मील प्रति घंटा और इसका बड़ा साइज इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। अगर एक भी गोला सही निशाने पर लगा तो इसकी अर्थी उठनी पक्की थी। बिग विली की अर्थी को कंधा देने के 20 साल बाद दिन बदले रातें बदली, बदल गया जंग का माहौल और जर्मनी के हाथ लग गया एक हथियार अनमोल। समय था वर्ल्ड वॉर टू का। हिटलर के पैंजर टैंक ने जंग के मैदान में कदम रख दिया था। बिग विली से आइडिया लेकर जर्मन सेना ने एक ऐसा टैंक बनाया जिसकी रफ्तार पहले से बेहतर और निशाना अचूक था। लगभग पूरे यूरोप को रौंदने के बाद हैंस गुडेरियन का ब्रेन चाइल्ड पैंजर टैंक एक और मिशन के लिए तैयार था। क्या मशीन थी वो। किसी एक मशीन का इतनी बड़ी जंग पर इतना जबरदस्त प्रभाव बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। फिर मिला मैदान में शेर को सवा शेर। अचानक से एंट्री होती है एक नए टैंक की, जिसने जर्मन पैंजर का मार मार के भरता बना दिया, और ये था USSR का T-34। और मजे की बात ये थी कि इसके पीछे था एक अमेरिकी दिमाग, लेकिन टैंक बना था रशिया में, जॉन वॉल्टर क्रिस्टी। इतिहास में पहली बार अमेरिका ने किसी हथियार को जाने दिया जिसने आगे चल के जंगों का रुख ही बदल डाला। जॉन वॉल्टर क्रिस्टी, भाई साहब, बंदा एक रेस का ड्राइवर था, एक मैकेनिकल इंजीनियर था और दुनिया में सबसे शक्तिशाली टैंक का इन्वेंटर था। ये आदमी रफ्तार के पीछे बिल्कुल बावला था। ये आदमी चाहता था कि एक टैंक उबड़ खाबड़ रस्ते पर, पानी और दलदल में हर तरह की सतह पर एक रेस कार की तरह दौड़ लगाए। और फिर हुआ चमत्कार। बहुमुखी प्रतिभा के धनी वैज्ञानिक ने एक ऐसा टैंक बनाया जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। कमाल की बात सुनो, अमेरिका ने अपने ही वैज्ञानिक के डिजाइन को बेकार बताकर उसका मजाक उड़ाया। बंदा ले गया बात दिल पर और जा पहुंचा रशिया के पास, जहां इनके आइडिया पर बनाए गए नए रशियन टैंक, और इनकी आंधी में उड़ गई हिटलर की सेना। चलो टैंक इतिहास से बस इतना ही। अब बताता हूँ टैंक से जुड़ी अहम जानकारियां।
टैंक का ऊपर का हिस्सा जो 360 डिग्री घूम सकता है उसे टरेट और नीचे के बख्तरबंद हिस्से को हल बोलते हैं। और इस जबरदस्त मशीन के इंजन को बिल्कुल पीछे लगाया जाता है। इस मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल को चलाने की जिम्मेदारी 4 लोगों पर होती है, जिसका ड्राइवर इसे लेट कर चलाता है। जिस चेन रूपी ट्रैक पर इसके पहिए घूमते हैं उसे कैटरपिलर ट्रैक बोलते हैं। ये बना होता है स्टील का, जिसे रबर पैड जोड़कर रखते हैं। भारतीय सेना के मेन बैटल टैंक अर्जुन में दोनों तरफ 7-7 पहिए लगाए गए हैं और हर एक पहिए के लिए अलग से न्यूमेटिक सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है, यानी हवा की मदद से ऊबड़ खाबड़ जमीन के झटकों को झेलने का जुगाड़। इन 7 पहियों के अलावा 2 और पहिए इसमें होते हैं, जिनमें से एक मेहनती और दूसरा बिल्कुल निकम्मा है, यानी काम करने का ड्रामा करता है। मजाक नहीं, इस बार मैं सीरियस हूँ। इंजन साइड वाले व्हील में गियर की तरह दांत होते हैं और ये अकेला इंजन से आने वाली पावर की मदद से चेन बेल्ट को घुमाता है। दूसरा व्हील बस इसको अपने ऊपर से होकर जाने के लिए लगाया गया है, ताकि चेन शार्प एंगल की वजह से रगड़ा ना खाए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस भारी भरकम पहाड़ को घुमाने के लिए स्टेयरिंग को घुमाकर टैंक को घुमा लोगे, तो भाई साहब फिर ना चलेगा आपसे ये टैंक। इसे चलाने के लिए ट्रैक्टर चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शॉर्ट में बोलूं तो हमारे देश के किसान सड़क पर इसकी रेल बना सकते हैं। वैसे हमारे देश के किसान तो किसी की भी रेल बना सकते हैं। देश का जवान और देश का किसान, बस ये दो लोग ही हैं जिनकी वजह से देश की सीमा और देश का खाद्यान्न भंडार दोनों सुरक्षित है। मेरे पास एक्चुअल डाटा तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि देश की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा बच्चे किसान परिवार से ही होते होंगे। गर्व है हमें अपने देश के अन्नदाताओं पर। टैंक से स्टॉपी और व्हीली तो नहीं लगेगा, लेकिन ड्रिफ्ट करना मैं जरूर बताऊंगा। इस मशीन को शार्प एंगल पर मोड़ने के लिए इसके एक ट्रैक की रफ्तार को धीमा किया जाता है, बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह, जिसकी वजह से ये आसानी से मुड़ जाता है। और इसी कारण की वजह से इसमें बहुत सारी टूट फूट भी होती है, तो इसकी रिपेयर का पूरा जुगाड़ इसके अंदर भर कर रखा जाता है। इसके इंजन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें खराबी आने पर पूरा का पूरा इंजन बाहर आसानी से निकाला जा सके, यानी इंजन को रिपेयर करने के लिए पूरे टैंक को उधेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे देश के अर्जुन टैंक में MTU-838KA501 टर्बो चार्ज 10 सिलेंडर लिक्विड कूल डीजल इंजन लगाया गया है। बाप रे, इतना लंबा नाम, सीधे सीधे बोल देते इंजन का बाप है। ये इंजन 2400 RPM पे 1400 हॉर्स पावर की पावर और 70 किलोमीटर की टॉप स्पीड में इस इंजीनियरिंग मार्वल को दौड़ा सकता है। टैंक के अंदर क्रू मेंबर्स क्या क्या काम करते हैं, ऑब्वियसली वहाँ 3 पति तो नहीं खेलते होंगे, या खेलते हैं? अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। एक टैंक के अंदर 4 मेंबर होते हैं, कमांडर, ड्राइवर, गनर और लोडर। टैंक की सेफ्टी मिशन की कामयाबी से जुड़े सभी अहम फैसले कमांडर के द्वारा ही लिए जाते हैं, जो मैदान में हो रही हलचल पर पेरिस्कोप की मदद से नजर रखता है। इस जबरदस्त मशीन में 6 पेरिस्कोप लगाए जाते हैं, जिसमें से एक 360 डिग्री में घूमकर चारों तरफ नजर रखता है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाला थर्मल इमेजिंग कैमरा और रात में देखने के लिए नाइट विजन इक्विपमेंट इसे हर तरह के मौसम और परिस्थितियों में बेजोड़ बेमिसाल मशीन बनाते हैं। अर्जुन टैंक पर लगी 120 mm की गन 1 मिनट में 6-8 राउंड फायर कर सकती है, जो हर तरह की जमीन से पैदा होने वाले झटकों पर भी अपने टारगेट से नहीं हटेगी। चलो एक मजे की बात सुनो। टैंक पर लगी हुई गन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए बियर मग टेस्ट किया जाता है, जिसमें एक मग के अंदर बियर भर के उसे टैंक की बैरल पर रखकर टैंक को फुल स्पीड और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे दौड़ाया जाता है। अगर मग से बियर नहीं गिरी तो इसका मतलब टैंक का स्टेबिलिटी सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, और अगर गिर गई तो उसके स्टेबिलाइजेशन सिस्टम पर काम करके उसे ठीक किया जाता है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, बैरल पर रखे मग में पानी भी तो भर सकते थे, फिर बियर भरने की क्या जरूरत थी? चलो जाने दो, वड्डे लोग वड्डी बातें, हर किसी को टैंक थोड़ी मिलता है चलाने को। इसके अलावा छोटे टारगेट्स के लिए मशीन गन और हवा में उड़ते हुए टारगेट के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन भी टैंक पर लगाई जाती है। इसमें लगे हुए सेंसर्स इसके सामने आने वाली लैंडमाइंस को दांतों की मदद से उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं। अर्जुन टैंक भी सोचता होगा, ना ना लगा लो बेटा, लगा लो लैंडमाइन। अर्जुन टैंक पर इस्तेमाल किया गया पेंट इसके ज्यादातर इंफ्रारेड सिग्नेचर्स को ब्लॉक कर देता है, मतलब दुश्मन के हीट सेंसिंग हथियार इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। टैंक की बॉडी को डायरेक्ट हिट से बचाने के लिए इसकी बॉडी को एंगल पर डिजाइन किया जाता है, ताकि इस पर टकराने वाले गोले छिटक कर अपना रास्ता बदल दे। मान लो किसी टैंक पर रॉकेट या मिसाइल से हमला कर दिया जाए, तो उनसे बचने के जुगाड़ भी टैंक पर लगाए जाते हैं। ये जो आप बॉक्स जैसी चीज देख रहे हो, इसमें 2 स्टील की प्लेट के बीच में एक्सप्लोजिव भर के रखा जाता है। जैसे ही कोई रॉकेट टैंक के करीब पहुंचता है तो ये डेटोनेट होकर उसके परखच्चे उड़ा देता है। टैंक में एक ऑटोमेटिक रडार सिस्टम भी लगाया जाता है। मान लो टैंक की तरफ कोई मिसाइल या रॉकेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो रडार उसे डिटेक्ट करके एक काउंटर चार्ज को फायर कर देता है, जो सामने से आती हुई मिसाइल या रॉकेट के पास पहुंचकर बहुत तेज धमाका करके उसे अपने साथ उड़ा देता है। भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाले
वाले अर्जुन टैंक पर लगे फ्यूल टैंक में 1610 लीटर डीजल फ्यूल भरा जाता है, जो इसे बिना रिफ्यूलिंग के 450 किलोमीटर की रेंज देता है। यानी एक लीटर में मात्र 280 मीटर की लंबाई ये तय कर सकता है। अरे कोई ना, ऐसी मशीन पे एक दो तेल के कुएं तो हमारे देश की सरकार यूं ही कुर्बान कर देगी, बस ये दुश्मन के दांत तोड़ता रहे। अब बात करते हैं टैंक में इस्तेमाल होने वाले गोलों की, यानी शेल्स की। इन्हें अलग से एक एम्युनेशन चैम्बर में स्टोर करके रखा जाता है, ताकि गलती से अगर कोई दुर्घटना हो जाए और इनमें से कोई शेल फट जाए तो उसके चारों तरफ लगा हुआ प्रोटेक्शन बाकी एम्युनेशन और क्रू मेंबर्स को उससे होने वाले नुकसान से बचा लेगा। इसके चारों तरफ की गई कवरिंग एक जबरदस्त प्रोटेक्शन देती है। टैंक में इस्तेमाल होने वाले शेल्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, जो टैंक की प्रोटेक्शन को भेद सके। दूसरा, जो टैंक की सतह पर टकरा के बहुत तेज धमाका करे ताकि टैंक के अलग अलग हिस्सों में आग लग जाए। तीसरा, जो टैंक की सतह पर टकरा कर उसमें छेद करके टैंक के अंदर क्रू मेंबर्स और लगे हुए इक्विपमेंट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। अब जान लो बोर इवेक्वेटर के बारे में। ये जो आप टैंक की बैरल में मोटा सा गोला देख रहे हो, इसका काम होता है शेल को फायर करने के बाद उत्पन्न हुए धुएं को टैंक के अंदर जाने से रोकना। इसे हम बोर इवेक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। और अब बस हो गया, वीडियो खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और बोलो मेरे संग जय हिंद जय भारत।